Clash of Clans. Play now. मैसेजे आते हैं, ध्यान भटकाते हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, फैमिली दुश्मन है, खेलने देती नहीं, मैं फिर भी खेलूंगा, मैं फिर भी हे क्रशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। सो क्रशर्स, यहाँ पे फाइनली एक न्यू सीजन आ चुका है क्लैश ऑफ क्लैन में, जहाँ पे हम लोग को ग्रैंड वार्डन की एक ब्रांड न्यू स्किन देखने को मिल रहा है। वो एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को कौन से ग्रैंड वार्डन की स्किन देखने को मिल रहा है, चलिए एक बार सबसे पहले हम लोग रिव्यू करते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली हम लोग को ग्लैडिएटर वार्डन का स्किन देखने को मिल रहा है। क्या शानदार लग रहा है यार। अगर हम लोग रेटिंग की बातें करें तो गाइज, मैं इसे आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। बहुत ही शानदार दिख रहा है यार ये अपना बाबा जी। और आप लोग बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये ग्लैडिएटर वार्डन का स्किन कैसा लग रहा है, रेटिंग दीजिए। और आज की ही वीडियो में गाइज, हम लोग एक ग्लैडिएटर वार्डन के स्किन का हम लोग गिव वे करेंगे, यानी एक गोल्ड पास का भी गिव वे करेंगे। तो कैसे गिव वे में पार्टिसिपेट करना है, चलिए वीडियो में आगे बताऊंगा। और स्टे ट्यून रहना यार वीडियो में। तो सबसे पहले गाइज, हम लोग यहाँ पे गोल्ड पास को परचेस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे कि क्या गोल्ड पास वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, क्या आप लोग को परचेस करना चाहिए इस बार का गोल्ड पास या फिर नहीं। तो चलिए एक बार हम लोग इसे सबसे पहले परचेस कर लेते हैं। यहाँ पे 399 rupees पे करते हैं और यहाँ पे फाइनली प्रोसेसिंग हो रहा है और पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, डन। गोल्ड पास हम लोग रिसीव कर चुके हैं, ये रहा हम लोग का गोल्ड पास। और अब हम लोग इसे रिव्यू करेंगे और एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं यार, क्या शानदार से इस बार चीज़ें दिख रही हैं। हम लोग को गोल्ड पास का तो बहुत ज़रूरत था, अभी अपग्रेडेशन आया तो ज़रूरत तो था ही। बट यहाँ पर मैं वैल्यू फॉर मनी की बातें करें तो क्या इस बार का गोल्ड पास कितना वैल्यू फॉर मनी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है, चलिए चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने रिवॉर्ड सेक्शन में देख लेते हैं गोल्ड पास में कौन कौन से हम लोग को मैजिकल आइटम देखने को मिल रहा है। सो मैजिकल आइटम के तौर पे हम लोग को फ्री में तो एक बुक ऑफ हीरो मिल ही रहा है, और साथ में ही यहाँ पे अगर हम लोग गोल्ड पास की बातें करें तो रूनस में देखें तो रूनस में सारे के सारे रूनस मिल रहे हैं। बुक की बातें करें तो बुक में बुक ऑफ बिल्डिंग, बुक ऑफ स्पेल और बुक ऑफ फाइटिंग देखने को मिल रहा है, यानी लैबोरेटरी से अगर आप लोग को अपने मैक्स करने बेसिस को, तो बेफिक्र यार ये गोल्ड पास आप लोग के लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। और अपने बेसिस को मैक्स आउट करना है तो उस टाइप का तो वैसा कुछ इतना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आप लोग को, बिल्डर पोर्शन भी एक ही प्रोवाइड किया जा रहा है, बाकी हर एक स्पेल ट्रेनिंग स्पेल को छोड़ करके एक एक प्रोवाइड किया जा रहा है। सो वही वैल्यू फॉर मनी की अगर हम लोग बातें करें तो इंटू 15 से इंटू 16 वैल्यू पैक यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली है, कोई खास नहीं है, कोई स्पेशल ओकेजन का भी यहाँ पर गोल्ड पास आप लोग को देखने को नहीं मिला है। तो 15 से 16 मैक्सिमम आप लोग को वैल्यू पैक ये प्रोवाइड कर सकता है। बी श्योर कि हम लोग कोई भी अगर गोल्ड पास का वैल्यू निकालते हैं तो हीरो की स्किन और पर्क जो भी है और रिसोर्स जो भी है उसको एक्सक्लूड करके निकालते हैं, ओनली मैजिकल आइटम का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ओके ब्रो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बार ग्रैंड वार्डन के स्किन को देखते हैं। ओके माई गॉड, बहुत ही शानदार लग रहा है, क्या खतरनाक ग्रैंड वार्डन लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा। सो ग्लैडिएटर ग्रैंड वार्डन का मतलब उम्मीद नहीं था यार इस बार आएगा, हालांकि हम लोग को ग्लैडिएटर का सीरीज बहुत पहले ही देखने को मिल गया था, अब ग्रैंड वार्डन ग्लैडिएटर के फॉर्म में नहीं आया था तो अब ग्रैंड वार्डन भी आ गया, हो सकता है अपना ये रॉयल चैंपियन भी आगे इन फ्यूचर ग्लैडिएटर के फॉर्म में देखने को मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते, मिल सकता है ब्रो। तो फिलहाल यहाँ पे गाइज मैं आप लोग को अब गिवेज के बारे में बता दूँ कि कैसे आप लोग गिवे में पार्टिसिपेट करना है। सो बेसिकली आप लोगों को सिंपल एक रैंडम कमेंट लिखना है कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो पे 5000 लाइक अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग गिवे के विनर को पिकआउट करेंगे, और पिकआउट करेंगे हम लोग रैंडम कमेंट पिकर एक जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उससे, जिसका भी कमेंट पिक होता है वो विनर बनता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहते हो तो आपको गोल्ड पास मिल जाता है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए रहते हो तो फिर हम लोग दूसरे गोल्ड पास के विनर को पिकआउट करेंगे वही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से और उसे गोल्ड पास दे देंगे। सो बी श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए हुए रहो ताकि आपके गोल्ड पास विन करने के बाद आप परफेक्टली उसे ग्रैब आउट कर सको यार, ठीक है।
सो क्रशर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर विच वर्सेस यहाँ पे बॉस ड्रैगन की आर्मी भी देखने वाले हैं, कौन विन करता है। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग के पास 7 विचेस हैं जो कि सुपर के फॉर्म में हैं एंड यहाँ पे बॉस ड्रैगन निकलने वाला। देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम लोग ये सारी चीज़ों को चेकआउट कर रहे हैं, क्या हम लोग का ये जो आर्मी है वो बॉस ड्रैगन को हरा सकता है या फिर नहीं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एक विच को हम लोग ड्रॉप किए, पॉइजन स्पेल को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद कुछ विचेस को और ड्रॉप करते हैं और भाई कतई खतरनाक, 2 फूक में विचेस को डिस्ट्रॉय कर देता है ये जो ड्रैगन है हम लोग का। और भाई सारे विचेस मिलके तो तुरंत में ही गायब कर दिए उस ड्रैगन को, कतई खतरनाक यार। उतने ज़्यादा एचपी वाले ड्रैगन को एक रेज स्पेल में आकर के इतना जल्दी उड़ा देना, वाह क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या अब हम लोग इन सारे बेसिस को इन सारे आर्मी से क्लियर कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। काफ़ी सारे ट्रैप्स सब भी फंसे रहते हैं यहाँ पे इस बेसिस में। और यहाँ पे सिचुएशन की बातें करें तो भाई दोनों के दोनों जितने भी यहाँ पे ईगल R3 हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ विचेस को ही टारगेट ले रही है, एट एनी हाउ सिर्फ एंड सिर्फ विचेस को ही टारगेट ले रही हैं। आई डोंट नो क्यों विचेस को ही टारगेट ले रही हैं, बट खाली विचेस को ही टारगेट ले रही हैं। और यहाँ पर हम लोग के पास 2 फ्रीज स्पेल और है, बट लग रहा है यहाँ पे हीरोज़ के आ जाने से मैच बहुत ही आसान सा बन चुका है और लग रहा है कि हम लोग इजी विन कर जाएंगे। क्या लगता है यार, मुझे तो लगता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इजी विन दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक और सेम आर्मी से अटैक करके देखते हैं कुछ डिफरेंट वे में, क्या हम लोग डिफरेंट वे में इस जगह निकाल पाएंगे 3 स्टार या फिर नहीं। तो चलिए एक बार चेकआउट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग के पास विच की आर्मी ट्रेंड हो चुकी है देन, और इस बार विदाउट हीरोज़ हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, देखते हैं विदाउट हीरोज़ ट्राई करके क्या इस बार विदाउट हीरोज़ वर्क कर पाएंगी विचेस या फिर नहीं प्रॉपरली। सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप करते हैं अपनी एक विचेस को और फाइनली आ गया है भाई, 2 शॉट में उड़ा देता है, लिटरली एकदम 2 शॉट में डेफिनेटली उड़ा देता है। तो इस बार हम लोग सारे विचेस को ड्रॉप कर चुके हैं और विदाउट हम लोग हीरोज़ इस बार अटैक परफॉर्मेंस करने वाले हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। और बहुत ही गंदा डिस्ट्रक्शन यार, ईगल R3 तो ज़्यादा डैमेज उतना नहीं पहुंचा पाता है, मैक्स ईगल R3 लगभग 2 से 3 शॉट लेता है विचेस को डिस्ट्रॉय करने में, बट ड्रैगन यार, ड्रैगन लिटरली कुछ भी नहीं कर पा रहा है बॉस ड्रैगन इस सुपर विच के आर्मी के सामने। बहुत ही ईजिली सुपर विच टेक डाउन कर ले रही है बॉस ड्रैगन को, और उसी के साथ साथ बट क्या ये पूरे के पूरे बेसिस को ये सुपर विच की आर्मी टेक डाउन कर पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। देखते हैं क्या कंडीशन होता है, इतने सारे स्केल्टन्स है भाई, लिटरली गजब लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है इतना आसानी से 3 स्टार निकल पाएगा ओनली विच के आर्मी से। आप लोगों को क्या लग रहा है यार, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन यार। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, आप लोगों को क्या लगता है क्या इस बार 3 स्टार निकल पाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लिटरली इतने सारे ट्रैप्स निकलने, हर एक कदम पे ट्रैप्स बिछा हुआ है और अपने विचेस को भी तो इतना ज़्यादा गंदा डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे 2-2 ईगल R3 के द्वारा। भाई एक ईगल R3 कम नहीं था जो दोनों आ गए, और इसी के साथ साथ लग रहा है हमारे विच तो लगभग शहीद हो चुकी हैं यार, 2 विचेस बची हैं, उनकी भी हेल्थ लगभग ना के ही बराबर है, और इसी के साथ साथ विच ऑल खत्म। एक और विच बची है, क्या बात है, एक कॉर्नर्स में विच बची है, नाइस यार। और इसका सिचुएशन देख के मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि ये अब बचने वाली है, और इसी के साथ साथ लग रहा है ये भी एंड, फाइनली एंड हो चुका है। लगभग 67% निकालने में आर्मी कामयाब रही है, बट 100% की बात करें तो ना ब्रो, कतई नहीं, ऐसे अटैक्स में तो कतई नहीं यहाँ पे पॉसिबल है। सो फाइनली यहाँ पे मुझे बहुत ही शानदार लगा ये दोनों की वर्सेस बैटल, इवन यहाँ पे जो सुपर विच है हम लोग की मोस्ट पावरफुल में से एक शो की है अपने आप को, इवन हम लोग को 1v1 भी करवाना चाहिए था, 1 सुपर विच vs 1 बॉस ड्रैगन, बट इन फ्यूचर्स हम लोग इसे भी ज़रूर करेंगे। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे ये लगा था, सुपर विच अगर हीरोज़ के साथ आती है तो पूरे बेसिस को आराम से टेक डाउन कर लेती है, इंक्लूडिंग यहाँ पे बॉस ड्रैगन। और ओनली यहाँ पे हम लोग विचेस की अटैक परफॉर्मेंस किए तो यहाँ पे कुछ उतना खास परसेंटेज हम लोग को देखने को नहीं मिला 90+, बट ऑल ओवर ड्रैगन को तो ईजी टेक डाउन कर ली। और इससे एक चीज़ तो हम लोग को ज़रूर पता चलता है कि अगर हम लोग हीरोज़ और सुपर विच को ड्रॉप करेंगे
तो ईगल आर्थरी सुपर विच को ही पकड़ेंगी, हीरोज को नहीं पकड़ेंगी यार। ये चीज़ तो देखने से पूरा 100% लग रहा था। सो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके मुझे तो ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जो ईगल आर्थरी है हम लोग का, जिसका सबसे ज़्यादा हाउसिंग स्पेस वाले ग्रुप है, उसको सबसे पहले टारगेट लेता है। हीरोज़ के हाउसिंग स्पेस 35 दिए जाते हैं। आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, किसी भी वॉर में या फिर अभी किसी भी मैदान में उतारते हो तो, ठीक है क्लैशर्स। सो बस यार, दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग के लिए और भी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लान है, तो स्टे ट्यून रहना और गिवअवे पार्टिसिपेट कर लो यार। कौन कब कैसे विन कर जाए कोई नहीं देखा है, तो जल्दी से गिवअवे पार्टिसिपेट करने के लिए एक रैंडम कमेंट लिखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो जल्दी से करके रखिए यार, क्या जाने आप ही विनर हो सकते हो। और आप अगर नहीं पार्टिसिपेट करते हो तो ये गोल्डन चांस मिस कर जाओ, तो बी श्योर कि आप लोग जल्दी से पार्टिसिपेट करो, कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा पार्टिसिपेट करने में। सो चलिए क्लैशर्स, मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन।